वेलकम टू सोशल। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने फिल्म कैरेक्टर्स के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं। कुछ एक्टर्स इन कैरेक्टर्स को एक्टिंग के थ्रू अप्रोच करते हैं, तो कई बार इन कैरेक्टर्स में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज इन लुक्स की भी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो फिल्म में पूरी तरह से अलग नज़र आते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने फिल्म्स में ऐसे कैरेक्टर प्ले किए हैं जिनमें वो अपनी रियल लाइफ से बहुत ही डिफरेंट नज़र आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। नंबर वन, तन्वी आज़मी। सीनियर एक्ट्रेस तन्वी आज़मी को आपने कई पॉपुलर फिल्म्स में देखा होगा, जहां उन्हें अकेले हम, अकेले तुम और दुश्मन जैसी फिल्म्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। चाहे तन्वी के कैरेक्टर्स बहुत छोटे होते हैं, पर स्टोरी में उनके कैरेक्टर का हमेशा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। इस तरह से 2015 में आई बाजीराव मस्तानी में तन्वी ने बाजीराव की माँ का कैरेक्टर प्ले किया, जिसमें वो एक बॉल्ड लुक में नजर आई। किसी भी मेल एक्टर का अपने लीड रोल के लिए बॉल्ड होना फिर भी समझ आता है, पर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का इतना कुछ करना आपको साफ दिखाता है कि अपने कैरेक्टर के लिए वो कितनी सीरियस हैं। तन्वी को जब ऑडियंस ने बाजीराव मस्तानी में देखा तो कुछ सेकंड तक आप उन्हें पहचान भी नहीं पाते। तन्वी ने बताया कि फिल्म की स्टोरी सुनते ही आई वॉज रेडी टू शेव माई हेड। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म को लेकर इतने पैशनेट थे कि मुझे लगा इस फिल्म में प्रोस्थेटिक्स या मेकअप का कोई फायदा नहीं, अगर मुझे इसको रियलिस्टिकली प्ले करना है तो मुझे बॉल्ड होना पड़ेगा। तन्वी की एक्टिंग को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया। नंबर टू, ऋतिक रोशन। ऋतिक की हर फिल्म से एक अलग तरह की एक्सपेक्टेशन रहती है, जहां हम उन्हें बार बार एक नए कैरेक्टर और नए लुक में देखते हैं। ऋतिक को जब सबने धूम 2 में मिस्टर ए के कैरेक्टर में देखा तो उस टाइम में सबसे पॉपुलर कैरेक्टर था, जहां ऋतिक हर चोरी के लिए अपने आप को एक नए लुक में डिस्गाइज करते थे। धूम 2 को पहली बार देखते हुए आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते कि ये कैरेक्टर ऋतिक रोशन है। इसके बाद भी ऋतिक ने अपने कैरेक्टर्स के लिए कई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, जहां फिल्म गुजारिश में ईथन मैस्करेनिस के रोल के लिए उन्होंने वेट गेन भी किया। इसी तरह कोई मिल गया में रोहित का कैरेक्टर प्ले करने के लिए ऋतिक ने बहुत वेट लूज भी किया। ऋतिक की एक नहीं बल्कि कई ऐसी फिल्म्स हैं जहां हम उन्हें बिल्कुल नए लुक में देखते हैं, एंड वी होप वो फ्यूचर में भी हमारे सामने नए कैरेक्टर्स लाते रहें। नंबर थ्री, सियानी गुप्ता। सियानी का करियर अभी शुरू ही हुआ है, पर बहुत ही थोड़े टाइम में ही उन्होंने कई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में काम किया है। मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ, पार्च्ड, आर्टिकल 15 में उनके सपोर्टिंग कैरेक्टर को काफी अप्रिशिएट भी किया गया। सियानी की 2019 रिलीज पोशम पा बहुत कम लोगों ने देखी है, पर उस फिल्म में वो एक सीरियल किलर का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जहां वो अपनी बहन के साथ बच्चों को किडनैप करती हैं और बाद में उनका मर्डर कर देती हैं। सियानी के कैरेक्टर को एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से वो कभी ठीक से सोच नहीं पाती और हर वक्त अपने बालों को नोचती रहती है। इस कैरेक्टर का लुक प्रोस्थेटिक से किया गया था, जिसमें 4 से 5 घंटे लगा करते थे। सियानी इस रोल में बिल्कुल ही अनरिकग्नाइजेबल लगती हैं, पर ऐसे रोल के लिए अग्री करना उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज का एग्जाम्पल देता है, जहां बॉलीवुड में फेमस एक्टर्स सालों बाद जाकर डिफरेंट लुकिंग कैरेक्टर करने का सोचते हैं, पर सियानी ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई एक फिल्म के लिए इतना कुछ किया है, तो ये साफ दिखाता है कि वो अपना कैरेक्टर मासेस को देखकर नहीं बल्कि मेरिट पर चूज करती हैं। नंबर फोर, रणदीप हुड्डा। फिल्म सरबजीत में जब रणदीप का फर्स्ट लुक सामने आया तो सभी हैरान रह गए थे। रणदीप को पहले कभी किसी ने ऐसे कैरेक्टर में नहीं देखा था और इसके लिए उन्होंने 28 केजीज वेट लूज किया था। रणदीप ने बताया कि रियलिटी में सरबजीत की जेल में लाइफ बहुत ही ट्रॉमेटिक थी, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गए थे। उनका कैरेक्टर प्ले करने के लिए मुझे वैसी ही सिवियर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए, क्योंकि मैं उस रोल को जीना चाहता था। रणदीप ने इतना ज्यादा वेट लूज कर लिया था कि वो कभी कभी ठीक से चल भी नहीं पाते थे और उनकी मसल स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो गई थी। जैसे जेल में कैदियों को कम खाना मिलता है, वैसी ही डाइट रणदीप ने भी फॉलो की, जिसकी वजह से उनको काफी मेंटल प्रॉब्लम्स भी आई। फिर जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी तो इस वेट लॉस के आफ्टर इफेक्ट्स भी रणदीप को देखने को मिले, जिसकी वजह से वो कुछ चीजें आज भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। रणदीप की इस परफॉर्मेंस को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने अप्रिशिएट किया, पर बहुत हैरानी वाली बात है कि ऐश्वर्या राय को इस फिल्म के लिए 4 अवार्ड्स दिए गए और रणदीप को एक भी नहीं। नंबर 5, राजकुमार राव। राजकुमार राव की एक्टिंग वर्सिटैलिटी को हर कोई जानता है, पर उनके डिफरेंट कैरेक्टर लुक्स को लेकर कोई ज्यादा बात नहीं करता। राजकुमार राव ने वेब सीरीज बोस में सुभाष चंद्र बोस का कैरेक्टर प्ले किया था और उसके लिए उन्होंने वेट पुट ऑन भी किया। वेट गेन करने के अलावा उन्होंने अपनी स्कैल्प का मेन पोर्शन भी कम्प्लीटली शेव किया, जो किसी के लिए भी बड़ी बात होगी, क्योंकि कम्प्लीटली बॉल्ड होना एक बात है, पर इस तरह से बॉल्ड होना बिल्कुल अलग। राजकुमार बहुत ही गट्सी हैं और बोस के कैरेक्टर के लिए जितनी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की शायद ही कोई और कर पाता। बोस के बाद राजकुमार ने फिल्म ट्रैप्ड में वेट लूज किया, जिसे उनकी परफॉर्मेंस स्क्रीन पर और भी बेहतर लगी। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा उन्होंने राबता मूवी में एक स्पेशल अपीयरेंस किया, जिसमें उनका कैरेक्टर 324 ईयर्स ओल्ड दिखाया गया है।
इस रोल के लिए प्रोस्थेटिक्स और मेकअप का यूज किया गया था, जहां इस पूरे लुक को तैयार करने में 6 आवर्स लगते थे और निकालने में 2 घंटे। राजकुमार ने बताया कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने इस लुक में अपने आप को देखा तो उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैरेक्टर वो खुद हैं। नंबर 6, आमिर खान। आमिर के मेंशन के बिना ये वीडियो पूरी ही नहीं हो सकती। आमिर ने कई सारी फिल्म्स की हैं जिसमें हमने उनको नए नए कैरेक्टर्स में देखा है, और जब दंगल में उनके महावीर सिंह फोगट के कैरेक्टर को लेकर न्यूज आई कि आमिर वेट पुट ऑन करने वाले हैं, तो सबको लगा कि वो एक लेवल तक ही वेट गेन करेंगे, क्योंकि एक हीरो को अपने लुक्स भी बचाने होते हैं। फिर जब ऑडियंस ने दंगल का ट्रेलर देखा तो सब हैरान रह गए। आमिर ने 27 केजीज वेट पुट ऑन किया था और बॉलीवुड में शायद ही कोई इस कैरेक्टर को इस तरह से अप्रोच करता। हिंदी फिल्म्स में ज्यादातर वेट गेन को बॉडी सूट के जरिए स्क्रीन पर दिखाया जाता है, पर आमिर चाहते थे कि वो खुद वेट गेन करे, क्योंकि बॉडी सूट लगाने से कैरेक्टर की बॉडी बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट लगती है। आगे भी आमिर हमें लाल सिंह चड्ढा में नए लुक में नजर आएंगे और ऑलरेडी इस फिल्म को लेकर काफी हाइप बनी हुई है। नंबर 7, भूमि पेडनेकर। दम लगा के हईशा मूवी से डेब्यू करने वाली भूमि पेडनेकर को जब ऑडियंस ने पहली बार देखा तो एक बहुत कॉमन परसेप्शन थी कि भूमि रियलिटी में भी ऐसी ही दिखती होंगी, पर जब फिल्म के प्रमोशंस किए गए तो भूमि बिल्कुल अलग नजर आई। भूमि ने रिवील किया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन किया था, और बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस का डेब्यू ज्यादातर एक ग्लैमरस रोल से होता है, पर भूमि का डेब्यू उन सबसे अलग रहा, जिसकी वजह से आगे भी भूमि को हमने कई वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स में देखा। नंबर 8, रणवीर सिंह। वैसे तो रणवीर अपनी रियल लाइफ में ही इतने अलग अलग अवतार्स में दिखाई देते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है, पर अपने कैरेक्टर्स के लिए भी वो उतनी ही मेहनत करते हैं। हालांकि उनके कैरेक्टर्स के लुक में कोई ड्रास्टिक चेंज दिखाई नहीं देता, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका रणवीर के कैरेक्टर्स को बहुत ही आइकॉनिक बना देता है। गली बॉय में मुराद के कैरेक्टर में रणवीर बिल्कुल ही अलग नजर आते हैं, जहां मुराद एक स्लम में रहने वाला लड़का है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। रणवीर ने इस कैरेक्टर को इतना बिलीवेबल बनाया कि रणवीर के रियल लाइफ वीडियोस देखकर हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि रणवीर ऐसा कैरेक्टर भी इतनी परफेक्शन से पुल ऑफ कर लेंगे। रणवीर की अगली फिल्म में वो कपिल देव का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे, और जब से उनके कैरेक्टर की कुछ फोटोज रिलीज की गई हैं तब से ही इस फिल्म को लेकर हाइप बनी हुई है, क्योंकि कपिल देव का बोलिंग एक्शन और उनका बैटिंग स्टाइल को मास्टर करना बहुत ही मुश्किल है, और रणवीर ने शायद उसे भी पॉसिबल बना दिया है। नंबर 9, अमिताभ बच्चन। मोर देन 50 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनका स्टारडम आज भी कम नहीं हुआ है। अमिताभ ने अपने करियर में कई यादगार कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जिन्हें देखकर एक्टर्स आज भी इंस्पिरेशन लेते हैं। 2009 की रिलीज पा में भी अमिताभ ने औरो का कैरेक्टर प्ले किया और ऑडियंस बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी। पा अपने टाइम से आगे की फिल्म थी जिसमें हम औरो का कैरेक्टर देखते हैं, जिसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसका फेस और उसके बॉडी एट्रीब्यूट्स बिल्कुल भी बाकी बच्चों जैसे नहीं है। औरो के लुक के लिए अमिताभ बच्चन का कई घंटों तक मेकअप किया जाता था और बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में कई करेक्शंस की जाती थी। औरो का कैरेक्टर इतना रेयर है कि उसके जैसा कैरेक्टर शायद ही स्क्रीन पर दोबारा देखने को मिले। नंबर 10 से पहले हम कुछ और एक्टर्स को भी मेंशन करेंगे जो इस लिस्ट में नहीं है, पर उनकी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी उतनी ही अच्छी है जितने बाकी एक्टर्स की इस वीडियो में है। आर माधवन इन साला खड़ूस। करियर की शुरुआत में ऑडियंस माधवन को एक बॉय नेक्स्ट डोर इमेज में देखती थी, उसके बाद तनु वेड्स मनु फ्रेंचाइजी से उन्हें एक आइडियल हस्बैंड के तौर पर देखा गया, पर उनकी साला खड़ूस फिल्म में जब उन्हें एक बॉक्सर के कैरेक्टर में देखा गया तो सभी फैंस के लिए ये एक आई ओपनर मोमेंट रही। साला खड़ूस में माधवन फुली बल्क्ड अप नजर आते हैं और उन्होंने इतनी ज्यादा बॉडी बना ली थी कि उनकी बॉडी को आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की बॉडी से कंपेयर किया जाने लगा था। आशुतोष राणा इन संघर्ष। 90s के दौर में आशुतोष राणा को सबसे ग्रूसम विलन माना जाता था। उनका संघर्ष फिल्म में लज्जा शंकर पांडे का कैरेक्टर उनके करियर का सबसे डिफरेंट लुकिंग रोल रहा है, जिसका नैरेटिव इतना डार्क था कि आज के दौर में भी कोई मेनस्ट्रीम एक्टर ऐसा विलेनियस रोल प्ले करने को नहीं तैयार होगा। नंबर 10, कमल हासन। कमल हासन ने जितने अलग दिखने वाले कैरेक्टर्स अपने करियर में प्ले किए हैं उतने शायद ही कोई आगे कर पाएगा। कमल हासन ने जब ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना शुरू किया उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजी और मेकअप फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। कमल हासन की इंडियन चाची 420, अपू राजा और हे राम जैसी फिल्म्स में हिंदी ऑडियंस ने उन्हें बहुत पसंद किया, और इससे कई ज्यादा कैरेक्टर बेस्ड फिल्म्स उनकी हिंदी में रिलीज ही नहीं हुई हैं। कमल हासन हर कैरेक्टर के स्किन को बहुत परफेक्शन से अडैप्ट करते हैं, और कहना गलत नहीं होगा कि उनके टक्कर का इंडस्ट्री में आज भी कोई नहीं है।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं.